समय हर जगह वी की न्यू एल्बम ले ओवर की धूम है, क्योंकि हर कोई उसे खरीदना चाहता है। और वहीं पर हमारी इंडियन बीटीएस आर्मीज भी हैं, जो कि वी की न्यू एल्बम को खरीदना चाहती हैं। लेकिन आर्मी, सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल्बम कितने की है और इंडिया में इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो वो सब कुछ जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे प्यारे से परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो बीटीएस आर्मीज, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि वी की न्यू एल्बम फाइनली अनाउंस हो गई है, जो कि सितंबर में आने वाली है। और इस न्यूज को लेकर हर बीटीएस आर्मी के मन में बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से वी की एल्बम का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ कुछ सवाल भी आए, और वो ये थे कि आखिर वी की एल्बम कितने की है, इसको प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, या फिर ये इंडिया में बिकेगी या फिर नहीं। तो आर्मीज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, जो कि बहुत सारे आर्मीज ने पूछा कि वी की एल्बम इंडिया में मिलेगी या फिर नहीं, तो हाँ, वी की एल्बम इंडिया में अवेलेबल होगी और इसको आप वीवर्स के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। तो वीवर्स के थ्रू परचेज करने के लिए आपको वीवर्स शॉप में जाना होगा और वहां पर वी की एल्बम को सिलेक्ट करना होगा और उसे परचेज कर लेना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीवर्स से परचेज करने पर एल्बम बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि साउथ कोरिया की शिपिंग डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद इंडिया आने तक का एल्बम के ओरिजिनल प्राइस से भी ज्यादा की हो जाती है, यानी लगभग आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इंडियन किसी शॉप से भी इसे परचेज कर सकते हो, जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं जो कि ऑफिशियल एल्बम को सेल करते हैं, यानी किसी ऐसे वैसे पेज से परचेज नहीं करना है, अच्छे पेज से परचेज करना है जिनकी परचेज बीटीएस के चार्ट में भी जाती है, ताकि आपके जो इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसका कुछ तो फायदा हो और बीटीएस की एक सेल एल्बम ऑफिशियल चार्ट में बढ़ जाए। अब रही बात की एल्बम कितने की होगी, तो वैसे तो अभी ऑफिशियल प्राइस रिलीज नहीं किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें तीन टाइप के वर्जन आएंगे, जिसमें तीन वर्जन सीडी के हैं और उसके बाद एक चौथा वर्जन भी है डिजिटल एल्बम का, जो कि वीवर्स पर अवेलेबल होगा। तो प्री ऑर्डर करने के लिए तो अभी आपको 400-500 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन लगता है कि लगभग जो प्राइस होते हैं हमेशा बीटीएस की एल्बम के, जो कि 2.5 से 3 हज़ार के बीच में पड़ता है, या फिर ये 4 हज़ार तक भी जा सकते हैं, तो उसी के बीच में होगा। और कोई ऐसा वर्जन भी होगा जहां पर तीनों वर्जन आए, तो वो कम से कम आपका 5 से 6 हज़ार तो आपको मिनिमम पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्री बुकिंग भी सिर्फ US स्टोर्स में खुली है, इसलिए इंडिया में अभी आप प्री बुकिंग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वीवर्स पर ना आ जाए या फिर कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज या फिर कोई ऑफिशियल शॉप इंडिया में शिपिंग करने के लिए तैयार ना हो जाए। और दोस्तों, रही बात ये कि कितने टाइम में हमको मिलेगी, तो ये सब तो आपको जहां से आप परचेज कर रहे हो वहीं से पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि काफी ज्यादा लोग बीटीएस की ये एल्बम परचेज करने वाले हैं, क्योंकि वी की एल्बम के लिए बहुत ही ज्यादा आर्मीज इंतजार कर रही थी। साथ ही साथ वी की एल्बम में क्या क्या होने वाला है वो भी हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अगर आप उस पर भी फुल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।